हाय फ्रेंड्स, मैं अनुज शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सोसाइटी में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को कैसे रिसर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट रिसर्च करने की ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। उसके फ्रेंड्स, आप कोई भी फॉर्म भरें, आपसे उस फॉर्म में कितने भी केबी का डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए, आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी केबी में अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमें यहाँ पर तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। हमारा फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया और डॉक्यूमेंट्स जो हम अपलोड करते हैं, जैसे हमारे सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, इस तरह के डॉक्यूमेंट। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स ही रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिसर्च करना है, उससे सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको ओपन विद में जाना है। देन इस पिक्चर को आपको जिसको भी एडिट करना है, रिसर्च करना है, उसको आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी सारी तरह की पिक्चर रिसाइज़ हो जाएंगी। तो पिक्चर रिसाइज करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर आपका फ़ोटो 90 डिग्री रोटेट होता है, तो आप उस तरह से यहाँ पर आपको दो रोटेट टूल मिल जाएंगे, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट। तो आप इस तरह से इन टूल्स का यूज करके अपनी पिक्चर को आसानी से रोटेट कर सकते हैं। पिक्चर रोटेट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट पिक्चर का। उसके बाद यहाँ पर आपको एडिट के कई सारे टूल्स मिल जाएंगे, जिसमें पहला ही टूल्स है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का। तो यहाँ पर अगर आप अपनी इमेजेस की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से आसानी से बढ़ा सकते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपको कलर का मिल जाएगा। कलर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप आसानी से अपनी पिक्चर का कलर करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको कहीं पर पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट अपलोड करनी है, या फिर मान लीजिए आपने सिग्नेचर ब्लू पेन से किया है, आपको उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा सेचुरेशन का। तो आपको इसे -100 कर देना। -100 करने के बाद जो आपकी पिक्चर है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। जैसे आपके सिग्नेचर ब्लू कलर से थे, वो यहाँ पर ब्लैक कलर से शो होने लगेंगे। तो कुछ इस तरह से सेचुरेशन को -100 करने के बाद आपकी जो पिक्चर है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रॉप का। तो फ्रेंड्स, आपकी जो भी पिक्चर है वो यहाँ से आप अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। आपका जो फालतू बैकग्राउंड है, आप उसे हटा सकते हैं और कुछ इस तरह से अपनी पिक्चर को यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप ओके करेंगे, तो आपकी पिक्चर आसानी से क्रॉप हो जाएगी। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा फ्लिप एंड रोटेट का। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे फ्लिप के, हॉरिजॉन्टल फ्लिप और वर्टिकल फ्लिप। इसमें आप अपनी पिक्चर को इधर से इधर फ्लिप कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक किया, तो आपकी पिक्चर इस साइड से इस साइड के लिए फ्लिप हो गई। अगर मैं यहीं पर फ्लिप करूँगा वर्टिकली, तो यहाँ पर इस तरह से आपकी जो पिक्चर है वो फ्लिप हो जाएगी। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपकी पिक्चर जैसे थोड़ी सी तिरछी होती, मान लीजिए जो आपने सिग्नेचर स्कैन किए वो थोड़े से तिरछे आए, तो आप यहाँ पर डिग्री बाय डिग्री उसे रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे आपके सिग्नेचर थोड़े से लेफ्ट साइड में है, तो उसे राइट करने के लिए आप इस तरह से अपने सिग्नेचर या फिर पिक्चर को थोड़ा थोड़ा करके रोटेट भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप अपोजिट डायरेक्शन में भी इसे इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर को यहाँ पर सीधा भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारी ये पिक्चर सीधी है। देन उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है, रेड आई रिमूवल। इसका आपको कोई भी यूज नहीं रहता, तो आप इस ऑप्शन को छोड़ दें। देन उसके बाद यहाँ पर जो दो मेन ऑप्शन आते हैं, वो हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिसाइज और कॉम्प्रेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कॉम्प्रेस पिक्चर्स के बारे में बता देता हूँ। आप कॉम्प्रेस पिक्चर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, वैसे ही यहाँ पर आपको तीन चार ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें पहला डोंट कॉम्प्रेस, जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट। मान लीजिए जैसे डॉक्यूमेंट है हमारे मार्कशीट वगैरह, और जो सर्टिफिकेट हम अपलोड करते हैं, उसका साइज आपको लगभग 100 या 200 केबी के बीच ही रखना है। तो आप सिंपली यहाँ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके ओके करेंगे, देन उसके बाद जो आप पिक्चर सेव करेंगे, वो आपकी पिक्चर 100-200 केबी के बीच ही लगभग सेव हो जाएगी। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आपको वेब पेज, जैसे फोटो है उसे मोस्टली हमें 20 केबी से लेकर 50 केबी तक ही अपलोड करना होता है। तो आप जब वेब पेजेस पर क्लिक करके अपनी इमेजेस को सेव करेंगे, तो वो लगभग 20 केबी या लगभग 20 केबी से थोड़ा ऊपर नीचे सेव होगी। एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है ईमेल इमेजेस का। इस पर क्लिक करके जब आप अपनी इमेज को सेव करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे जो सिग्नेचर अपलोड होते हैं, वो सिग्नेचर अपलोड होते हैं 10 से 20 केबी के बीच या फिर लेस देन 10 केबी, तो उसी केस में आप यहाँ पर ईमेल इमेजेस पर क्लिक करेंगे, तो आपकी जो सिग्नेचर का साइज है वो यहाँ पर 10 केबी से नीचे चला जाएगा या लगभग 10 केबी के बीच ही यहाँ पर आपका इमेजेस साइज हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर ये फोटो है, तो फोटो को आप यहाँ पर वेब पेजेस पर सिलेक्ट करके ओके करेंगे, देन आप इसे सेव कर लेंगे। इसे सेव करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो फोटो का साइज है यहाँ पर 11.9 केबी हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं
इसका साइज 11.9 KB है। मान लीजिए मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट का आप अभी यहाँ पर साइज देखेंगे तो इसका साइज है 2.83 MB। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके जब इसका एडिट करने रिसाइज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में ओपन करूँगा तो मुझे ये फोटो चाहिए लेस देन 200 KB। तो सबसे पहले मुझे एडिट पिक्चर पर क्लिक करना है। अगर आपको क्रॉप करनी हो, फालतू बैकग्राउंड आ रहा है, तो आप इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। फिलहाल हमारी ये इमेज पूरी तरह से क्रॉप्ड है, तो हम सिंपली यहाँ पर कॉम्प्रेस पिक्चर पर क्लिक करेंगे, देन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, देन ओके पर क्लिक करके अपनी इस पिक्चर को यहाँ पर कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद जब यहाँ पर आप इसका साइज देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो साइज है वो 226 KB हो गया है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए 200 KB से कम या फिर 250 KB चाहिए, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको कॉम्प्रेस पिक्चर वाले टूल का यूज नहीं करना है, अब यहाँ पर आपको यूज करना है रिसाइज वाले टूल का। रिसाइज में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपकी जो भी इमेज आप सेव करते हैं वो होती है 100% सेव। अब मान लीजिए ये हमारी इमेज 100% सेव है और ये हो गई हमारी 226 KB में। अब मान लीजिए मुझे इसे करना है 200 KB से नीचे, तो यानी ये 100% 226 KB है, तो मान लीजिए मैं इसे कर दूंगा 80%। अब जब 80% करेंगे तो ये हमारी इमेजेस हो जाएगी 200 KB से नीचे। अब हमने 80% करके इसे जैसे ही सेव किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो हो चुकी है यहाँ पर 144 KB की। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी जो इमेज है 144 KB की हो चुकी है। फ्रेंड्स ऐसी करके आपको जितनी भी इमेजेस कम करनी है या फिर बढ़ानी है उस तरह से आप परसेंटेज बाय परसेंटेज इस इमेज को बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए आपको 150 KB से ऊपर चाहिए होगी तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसकी परसेंटेज को 100, तो हमारी जो सेव करते हैं वो हमेशा याद रखें जो आप इमेज सेव कर लेते हैं वो 100% हो जाती है। तो अब हमें जो सेव इमेज है उसका थोड़ा सा बढ़ा, तो हमें इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये हमारी 150 KB हो जाए। तो हम मान लीजिए यहाँ पर 110% कर देते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी इमेज है लगभग 149 KB की हो गई है। ऐसे ही आप थोड़ा और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो आपका साइज है वो 150 KB के पार भी चला जाएगा। मान लीजिए आपको ये इमेज चाहिए 100 KB से कम, तो यहाँ पर आप लगभग इसका 70% या 75% क्लिक करके आप इसे ओके करके जब सेव करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी इमेज है वो लगभग 100 KB से नीचे चली जाएगी। अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने 75% इसका सेव किया है वो हमारी इमेज हो गई है यहाँ पर 97.8 KB की। अब फ्रेंड्स जैसे हम आज़ादी मूल्यवास अप्लाई करते हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट्स का साइज चाहिए होता है वो हमें 100 KB से नीचे ही चाहिए होता है, तो हमें उस केस में करना क्या है, सबसे पहले आपको ऑफिस पिक्चर मैनेजर में उस पिक्चर के लिए ओपन करना है। देन यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कॉम्प्रेस पिक्चर पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उसे सेव करेंगे। अगर आपकी पिक्चर फिर भी 100 KB से ऊपर रहती है तो आप सिंपली उसे रिसर्च करके थोड़ा परसेंट उसका कम कर देंगे, देन उसके बाद सेव करेंगे तो आपकी सक्सेसफुली 100 KB से नीचे सेव हो जाएगी। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स पिक्चर को रिसर्च करने के बाद। जैसे फ्रेंड्स कहीं पर आपसे 200 KB से नीचे की फाइल मांगी जाती है, 100 KB से नीचे की फाइल मांगी जाती है, तो आप कुछ इस तरह से एडिट करके उस पिक्चर को वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स कुछ वेबसाइट ऐसे भी हैं जहाँ पर आपसे पिक्चर को साइज के साथ साथ ही यहाँ पर आपको डायमेंशन भी मांगी जाती है कि आपसे पिक्चर 200x300 की पिक्चर चाहिए। तो उस केस में आपको करना क्या है, आपको अपनी पिक्चर के लिए ओपन करना है पेंट में। पेंट राइट क्लिक करेंगे तो आप ओपन विद में जाकर पेंट में ओपन कर सकते हैं पिक्चर को, या फिर डायरेक्टली आप राइट क्लिक करके जब एडिट करेंगे तो आपकी इमेज जो है डायरेक्टली पेंट में ओपन हो जाएगी। पेंट में ओपन होने के बाद सिंपली यहाँ पर भी आपको एक रिसाइज का ऑप्शन मिल जाएगा। रिसाइज का ऑप्शन मिलने के बाद पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको परसेंटेज का मिल जाएगा, दूसरा यहाँ पर पिक्सल्स का मिल जाएगा। तो कभी भी इमेजेस आपसे परसेंटेज में नहीं मांगी जाती, इमेजेस हमेशा आपसे पिक्सल्स में मांगी जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन का आपको यूज नहीं करना है, आपको सेकेंड ऑप्शन का यूज करना है पिक्सल्स का। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो पिक्चर है 336x425 में है। अब मान लीजिए आपसे पिक्चर मांगी जाती है 200x300 में, तो सिंपली ऊपर वाले में आप 200 टाइप कर देंगे और नीचे वाले में 300 टाइप कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक दिक्कत है, आप ऊपर वाला फिल करते हैं नीचे वाला ऑटो फिल हो जाता है, और नीचे वाला फिल करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है वो ऊपर वाला कॉलम ऑटो फिल हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, तो आपको इसे अनटिक कर देना है। आप जब इसे अनटिक करेंगे तो आप मनचाही वैल्यू को ऊपर नीचे आसानी से भर सकते हो। उसके बाद सिंपली यहाँ पर जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है 200x300 में रिसाइज हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको इसे पिक्चर के लिए सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारी पिक्चर की डायमेंशन है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल्स में। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पिक्चर है हमारी 200x300 पिक्सल में सेव हो चुकी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो DPI है वो 96 DPI है। फ्रेंड्स जो इमेजेस हैं हमें कहीं पर 96 DPI में चाहिए होती, कहीं पर 300 DPI में चाहिए होती, कहीं पर 600 DPI में, तो पिक्चर को DPI में कैसे
रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो बनाऊंगा। वो काम हमारा फोटोशॉप में होगा, इन दो सॉफ्टवेयर से हमारा DPI वाला काम नहीं होगा। इन दो सॉफ्टवेयर से आप पिक्चर के लिए डायमेंशन चेंज कर सकते हैं और पिक्चर का यहाँ पर साइज आसानी से चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको दोनों सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो में बताई हुई जानकारी समझ में आ गई होगी। आपको करना है क्या, आपको जब भी पिक्चर का रिसर्च करना हो तो सबसे पहले आप उसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आपको टूल्स मिल ही जाते हैं। आपको कॉम्प्रेस पिक्चर करना है, देन उसके बाद आपको उसे रिसर्च कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। अगर आपसे किसी पिक्चर में डायमेंशन मांगी जाती है तो आप उसे पेंट में ओपन करेंगे, रिसर्च पर क्लिक करेंगे, पिक्सल्स पर क्लिक करेंगे, मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो को अनटिक कर देंगे, देन आप यहाँ पर मनचाही वैल्यू को फिल करके आप उसे पिक्चर को सेव कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपनी मनचाही पिक्चर को किसी भी पिक्सल या फिर किसी भी साइज में चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे दो सॉफ्टवेयर्स। आप इन दो सॉफ्टवेयर्स की मदद से आसानी से किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को रिसर्च कर सकते हैं। आपको जितने भी KB में डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो उतने KB में अपने डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, लगभग सभी तरह के डॉक्यूमेंट हमारे इन्हीं दो सॉफ्टवेयर से रिसर्च हो जाते हैं, लेकिन कुछ तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फोटोशॉप से रिसर्च होते हैं, उसके ऊपर मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।